नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। क्या आपको पता है कि कोरोना मरीजों की मौत 100% नहीं होती बल्कि 99% होती है? कभी सुना है ऐसा? क्या कहा नहीं? तो भाई अब ऐसा होता है, डॉक्टरी भाषा है, आप नहीं समझोगे। कोरोना काल चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में कोरोना के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। बात अगर उदयपुर की करें तो एक दिन में 105 कोरोना पॉजिटिव आए हैं बीते सोमवार को। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसी खबर जिसे आप सुनेंगे तो सारी स्थिति आपके सामने साफ हो जाएगी। हम डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, यही कहते हैं ना, क्योंकि वो किसी मरते हुए को जीवन दान देते हैं। और अभी तो इस महामारी के दौर में कोरोना वॉरियर्स कह के भी सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन आज आपको बताते हैं कि क्या वाकई ये कोरोना वॉरियर्स हैं? क्या भगवान ऐसा होता है? बड़गांव निवासी नरेंद्र श्रीमाली नाम के एक व्यक्ति जिन्हें निमोनिया की शिकायत थी और कोविड टेस्ट करवाने पर वो भी पॉजिटिव आया, वह ईएसआई अस्पताल में भर्ती होने खुद गए। तो जो सबसे पहला सवाल उनसे पूछा गया वो ही चौंकाने वाला था कि आपके साथ कोई नहीं है, अगर नहीं है तो आपको भर्ती कौन करवाएगा? मतलब क्या कहते हो कि कोरोना पॉजिटिव के साथ उस अस्पताल में कोई अटेंडेंट भी आए और वहां से आकर वो औरों के संपर्क में भी आए और फिर संक्रमण और फैले? क्योंकि अब तक एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को घर से खुद लेने जाती थी और अकेले उस पेशेंट को ही लेते आई है। इतना ही नहीं, वहां जाने पर भी उन्हें उचित देखभाल नहीं मिली। आधे घंटे के भीतर दो बार उनसे बेड बदलवा दिए गए, जबकि सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें तुरंत ऑक्सीजन चढ़ानी चाहिए थी। उन्हें सबसे पहले उस बीमारी का ट्रीटमेंट दिया जाना था जो पहले से थी, यानी कि निमोनिया। लेकिन यहां पर तो न खाना न पानी, लापरवाही का आलम देखिए। रात को ऑक्सीजन बंद कर दी गई और सुबह यह कहा जाता है कि माफ करना, हम भूल गए थे। भूल गए? कितनी आसानी से आपने कह दिया कि भूल गए। शाम की 6 बजे परिजनों से बात होती है, तब तक एकदम ठीक, और रात 8 बजे हॉस्पिटल से एक कॉल आता है कि आपके पिताजी 99% नहीं रहे। ये 99% कैसे मरते हैं भाई, जरा हमको भी समझा दो ये फॉर्मूला। हम भी तो जाने कि 1% कैसे बचता है कोई, और अगर संभावना थी तो क्यों नहीं अवगत करवा दिया पहले, क्यों नहीं आपने बचा लिया? अरे नहीं, बात यही खत्म नहीं होती है। बेशर्मी और लापरवाही की कहानी तो अब शुरू होती है। 18 तारीख को जो व्यक्ति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, 22 तारीख यानी कि आज 4 दिन बाद उस हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल का कॉल आता है कि आप सेकंड फ्लोर पे एडमिट हो, वही हो ना। अरे शर्म करो, इस अस्पताल के डॉक्टर को ये ही नहीं पता कि कौन एडमिट है, क्या प्रॉब्लम है, वो जिंदा भी है या नहीं, क्या खा के इलाज करते होंगे ऐसे डॉक्टर। नहीं, सरेआम लापरवाही का खेल चल रहा है। मेरा सवाल चिकित्सा विभाग से, मेरा सवाल सीएमएचओ साहब से है कि आप एक इंटरव्यू में कहते आए हैं कि वे खुद कोरोना पॉजिटिव रोगियों का एक ग्रुप बनाकर अपडेट लेते हैं। माफ करना सर, अगर आप अपडेट लेते तो इतने ही मुस्तैद आपके डॉक्टर होते, तो 4 दिन बाद किसी मृत व्यक्ति के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने की बजाय उन्हीं से तहकीकात करते नजर नहीं आते। ये तो हद हो गई। शायद ये बढ़ते हुए आंकड़े यही बता रहे हैं कि किस कदर लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं लोग। ऐसी लापरवाही, आपके लिए वो व्यक्ति सिर्फ एक आंकड़ा है, परंतु उस परिवार से पूछिए जिसने उन्हें खो दिया। उस परिवार को महीनों तक यकीन नहीं आएगा कि उनके परिवार के सदस्य की मौत हो चुकी है। होगा भी कैसे, घर का बड़ा सदस्य जिसकी उम्र 59 साल थी, जिसको कोई अन्य बीमारी नहीं थी, जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, वो कोविड सेंटर में गया और उसकी मौत हो गई। 2 घंटे पहले तक वो ठीक था, 2 घंटे बाद 99% मौत हो जाती है, और 4 दिन बाद फिर डॉक्टर पूछता है भैया कैसे हो, इलाज ही कर रहे हो ना कि मजाक कर रहे हो, या सिर्फ राम भरोसे छोड़ा हुआ है कि भगवान जिसको रखे उसको घर भेजे, बाकी को शमशान। आप इस परिवार की बड़ी बेटी का दर्द सुनिए, फिर सोचिए। मैं ज्योति श्रीमाली, मेरे फादर नरेंद्र कुमार श्रीमाली, जिनको 18 सितंबर के दिन हमने कोविड पॉजिटिव आने के दौरान ईएसआई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। ईएसआई हॉस्पिटल में हमने 11 बजे एम्बुलेंस के थ्रू उनको ईएसआई भेजा था। वहाँ जाके उनको ये बोला गया कि कोरोना के पेशेंट के साथ में अटेंडेंट कहाँ है। तो मैं तो आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये बात कहाँ तक जाया जाए कि कोरोना के पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट होता है। उन्होंने बोला मेरे साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, तो बोलते हैं कि आपको एडमिट कौन करवाएगा।
उसके बीच में आधे घंटे के अंदर उनको दो बेड पे शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उनको ऑक्सीजन की नीड थी उस टाइम पे। और उनको उस दिन दिन में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिला होगा, बट उसी दिन रात में उनका ऑक्सीजन बंद करके डॉक्टर चले गए थे। अगले दिन मॉर्निंग में 19 तारीख को जब डॉक्टर्स आए, पापा ने उनसे बातचीत करी, मुझे ऑक्सीजन बंद है, तो बोले सॉरी सर, वो हम लोग बंद करके चालू करना भूल गए थे। फिर भी पापा ने जैसे तैसे एडजस्ट किया, हम लोगों को इतना कुछ परेशान नहीं किया। और उन पापा को निमोनिया की प्रॉब्लम थी, कोविड से ज़्यादा उनको निमोनिया की प्रॉब्लम थी, और निमोनिया का ट्रीटमेंट वहाँ पे 1% स्टार्ट नहीं हुआ था। वो बहुत परेशान थे। मैंने बोला पापा आपके पास जो भी ट्रीटमेंट है वो आप जारी रखो, उसको बंद मत करना। तो बोलते हैं बेटा यहाँ पे कोई भी तरह का खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, मैं दवाई किस बेस पे लूँगा। फिर भी मैंने पापा को बोला पापा कोई दिक्कत नहीं है, आज हम शाम को कुछ देखते हैं। मैंने पापा के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई, विटामिन सी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनके पास पहुँचाई थी। 6:15 बजे मेरी पापा से बात हुई है, उन्होंने वापस वही शिकायत करी, बेटा यहाँ तो ऑक्सीजन के कारण लाइटें ऑफ है और लाइटों का काम चल रहा है। तो भी वो बहुत हाँफ रहे थे, 6:15 बजे तक वो नॉर्मल थे। 8:30 बजे हमारे पास कॉल आ जाता है कि आपके पिताजी 99% नहीं है। तो 99% कैसा मरता है इंसान, या तो मरता है 100% मरता है, 99% नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मरने के बाद भी उनको बहुत संघर्ष करवाया है, बॉडी को डिस्पोज कराने तक हम लोगों को इतना घुमाया है। यूनिट प्रशासन की कोई जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं प्रशासन, और बस एक कचरे के ढेर की तरह उन्होंने कर रखा है। और किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट अंदर पेशेंट्स को नहीं मिल रहा है, और हद से ज़्यादा पेशेंट्स को परेशानी उठानी पड़ रही है अंदर। और मैं तो यही चाहती हूँ, आपके चैनल के थ्रू अपील करना चाहती हूँ कि जो हमने झेला है, मेरे पिताजी तो आज चले गए, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आगे किसी के भी घर में ऐसे ही नहीं हुए। आज आपके पास में सवेरे किसी डॉक्टर का कॉल आया था? जी, हमारे पास आज मॉर्निंग में कॉल आता है और बोलते हैं कि नरेंद्र कुमार श्रीमाली जी आप 2nd फ्लोर पे ही हैं, जबकि मेरे पिताजी की डेथ हुए आज 4th दिन है, तो हॉस्पिटल के पास क्या डेटा अवेलेबल है? और हम बता रहे हैं उनको कि हमारे पिताजी की डेथ हो गई है या कुछ भी, तो उनको पता चल रहा है। और डॉक्टर बोल रहे हैं हम लिस्ट लेके बाहर आए हुए हैं, मैं कहीं बाहर हूँ, शाम को पहुँच के आपको न्यूज़ देता हूँ। ये कहाँ तक उचित है, आप लोग खुद सोचिए ना। ये तो मैं हूँ, मैंने आवाज़ उठाई है कि मेरे पिताजी के साथ इतना गलत हुआ है। आप ये मान के चलिए कितने लोग इस तरीके से परेशान हैं, और बॉडी के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने को कुछ भी नहीं पता है। वो सिर्फ एक कोरोना का पूरा भ्रम फैला के और कोरोना के कारण पेशेंट से दूर रह के जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। कोई कार्डियक पेशेंट भी होता होगा वहाँ पे, कोई निमोनिया के पेशेंट्स भी है, तो उनको उनका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। है कोई जवाब इस बात का? मैं आज ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स मानने से ही मना करती हूँ। क्यों मना करती हूँ ये भी सुन लीजिए, आप भी अगर सुनेंगे तो शायद आप भी यही कहेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? आप कौन बोल रहे हैं सर? अरे मैं डॉक्टर राहुल बोल रहा था, आप कौन? मैं सर आपके हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट की डॉटर बोल रही हूँ। मतलब क्या नाम है पेशेंट का? क्या नाम है पदमलाल? पेशेंट का नाम है नरेंद्र कुमार श्रीमाली। नरेंद्र कुमार सन ऑफ डालचंद? जी सर। वो अभी एडमिट है? जी सर। कौन से फ्लोर पे हैं सर? हमें जब तक आइडिया था वो 2nd फ्लोर पे है। अच्छा। और उनका यहाँ से एक एम्बुलेंस से जब लेके गए हैं फादर को, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उनसे। अच्छा, आपको ये पता है ना कि वो अभी सब ठीक है? मतलब क्योंकि शायद गलत डाटा भर दिया गया है क्या है, क्योंकि एक और नरेंद्र कुमार जी के घर से मेरी बात हुई थी, उनके घर वालों से वो कह रहे थे कि डेथ हो गई। सर ऐसी बात आपकी कब हुई है? अभी थोड़ी टाइम पहले हुई थी मेरी। अब एक बार कंफर्म कर लो, है ना, पता नहीं क्या है आपको। आज की ही बात है ये? अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हुई, वो कह रहे थे नरेंद्र कुमार के घर से ही बोलना हूँ। और यूँ सर कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया था आपसे? आप एक बार आप ये देख लो कि आपके घर का ही नंबर है क्या है, या मतलब जिसका भी ये हमारे यहाँ पे। सर हमारे लिए तो आप ईश्वर का रूप है, आप बताइए ना हमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं एक्चुअली यहाँ पे हूँ नहीं हॉस्पिटल में, मैं थोड़ा बाहर आया था,
मैंने ऐसे कांटेक्ट कर लिया पेशेंट की क्या कंडीशन है, इसलिए आप एक बार ये नंबर चेक कर लीजिए आपके किसी घर वाले का है क्या, क्योंकि इस नंबर की बात हुई थी ना। तो लिखो आप। जी सर आप बोलिए, मैं नोट कर रही हूँ। 94141 जी 05422। ओके सर, तो आपकी ड्यूटी बाकी वहीं पे है हॉस्पिटल में। हाँ आप तो सर आप कितनी देर में पहुँचेंगे हॉस्पिटल? मैं तो आऊंगा शाम तक आऊंगा, मैं थोड़ा आज काम आ गया मेरे को। तो आप एक काम करना, आज ही आप हॉस्पिटल में नहीं है, बाकी आप थे ना हॉस्पिटल में सर? अरे मैं क्या है कि मेरी थोड़ा सा चेंज हो चल रहा था। आप अभी मेरी बात तो सुन लीजिए, आप इस नंबर को चेक कर लीजिए और सब खैरियत हो तो मुझे बता देना है ना सर। पर मुझे ये तो बता दीजिए ना कि फादर है कैसे है। अरे वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो बाहर हूँ, मैंने तो वैसे ऐसे ही फोन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लिया था कि वो पेशेंट कैसे हैं, वो पेशेंट कैसे हैं। ओके सर, लेकिन आप एक बार पूछ लिया, एक बार मेरा काम करिए आप, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया रहेगा ना, आप करके देखिए। जी जी सर ठीक। नहीं चाहते कि कोई भी कोरोना मरीज हो, लेकिन अगर हो तो कम से कम ऐसा भद्दा मजाक तो किसी के साथ ना हो जैसा इस मरीज के परिवार के साथ हुआ है। हो सके तो इस खबर को देखने के बाद भी अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो तो आगे कम से कम किसी के साथ ऐसा मत करना। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।